दोस्तों इस सीजन के क्रिकेट मैचेस काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। वैसे तो एक मैच में कई ऐसे लम्हे आते हैं जिन्हें हम बहुत एंजॉय करते हैं। यकीनन आपको भी मेरी तरह स्टैंड्स में गिरते हुए छक्के और तेज डिलीवरी से उड़ते हुए स्टंप्स देखना सबसे दिलकश लगता होगा। और अगर कोई तेज डिलीवरी स्टंप्स को तोड़ के ही गुजर जाए तो क्रिकेट में भला इससे बेहतर नजारा और क्या हो सकता है। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी किसी बॉलर को अपनी बॉल से स्टंप के टुकड़े करते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं। दस ऐसी ही स्पीडी डिलीवरीज जिनके सामने मजबूत स्टंप्स के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। 10 नोवान कुलुसेकरा। दोस्तों जैसे क्रिकेट में कई धाकड़ बल्लेबाज को इनके अग्रेसिव स्टाइल से बहुत पसंद किया जाता है, कुछ ऐसे ही तेज और अग्रेसिव बॉलर्स को भी खेलते देखकर फैंस बहुत एंजॉय करते हैं। और अगर बात श्रीलंकन फास्ट बॉलर की हो तो हमारे माइंड में लसित मलिंगा का नाम फौरन आता है, मगर शायद आप इस श्रीलंकन बॉलर को भूल चुके हैं जिसने काफी अरसे तक बल्लेबाजों को तिकनी का नाच नचाए रखा था। नोवान कुलुसेकरा एक श्रीलंकन कामयाब बॉलर गुजरे हैं और इनकी खतरनाक बॉलिंग का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप में चल रहे इस मैच से ही लगा लीजिए। जब पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में कुलुसेकरा ने पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर अली को एक ऐसा स्पीडी यॉर्कर किया कि इनका विकेट ही दो टुकड़ों में तोड़ डाला। वैसे क्रिकेट की तारीख में ऐसा जबरदस्त यॉर्कर आपने पहले नहीं देखा होगा। 9 जसप्रीत बुमराह। दोस्तों जब भी कोई बॉलर अपने अरूज पे होता है तो इसका सामना करना हमेशा ही बल्लेबाजों के लिए एक चैलेंज की तरह होता है, और कुछ ऐसा ही आजकल जसप्रीत बुमराह के साथ भी है। क्योंकि जनाब वो आजकल अपने अरूज पर जो हैं, भाई इनके यॉर्कर्स की तो बात नहीं, ऐसे खतरनाक और स्पीडी यॉर्कर्स और साथ में चकमा देने वाला एक्शन बैट्समैन के लिए और भी मुश्किल खड़ी कर देता है। अब जरा इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए इंडियन डोमेस्टिक लीग के इस मैच को ही देख लीजिए, जब बुमराह की एक तेज इनस्विंग डिलीवरी जिसे बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं समझ सके और बॉल मिडल स्टंप पे जाके लगी और मिडल स्टंप के दो टुकड़े हो गए। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। 8 रवि रामपाल। दोस्तों एक दौर था जब वेस्ट इंडियन बॉलर्स को काली आंधी कहा जाता था, क्योंकि इनके पास दुनिया के तेज और खतरनाक बॉलर मौजूद थे, और यही वजह है कि इनके पास लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बॉलर्स तो आज भी मौजूद हैं। रवि रामपाल भी एक ऐसे ही जबरदस्त वेस्ट इंडियन बॉलर गुजरे हैं, और इनकी जबरदस्त बॉलिंग का एक मुजाहरा जरा इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए। एक लीग मैच के दौरान रवि की एक तेज डिलीवरी जिसे बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ पाए और बॉल सीधा स्टंप में जाके लगी और स्टंप्स के दो टुकड़े हो गए। 7 डेल स्टेन। क्रिकेट में कई खिलाड़ी अपनी शिनाख्त अपने कारनामे से बनाते हैं। साउथ अफ्रीकी डेल स्टेन भी इन्हीं चंद अजीम बॉलर्स में से हैं जिन्हें इनकी जबरदस्त बॉलिंग की वजह से स्टेन गन के नाम से जाना जाता था। और इस स्टेन गन से निकलने वाली गोली किसी तेज बॉल क्या कर जाती थी, ये आप इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए। जब स्टेन की एक तेज डिलीवरी को कीवी बल्लेबाज ने पीछे हटके हिट करने की कोशिश की, मगर बॉल इतनी तेज थी कि बल्लेबाज की पहुंच से पहले ही विकेट में जा लगी और विकेट को दो हिस्सों में तोड़ डाला। 6 ग्रेग कैंबल। दोस्तों एक फास्ट बॉलर के पास स्पीड के साथ साथ लाइन और लेंथ और दिमाग होना भी बहुत जरूरी होता है, तभी तो इस खेल में अपना नाम बना सकता है। यही वजह है कि हमने कई ऐसे फास्ट बॉलर भी देखे हैं जो ज्यादा देर इस क्रिकेट की लाइन में टिक नहीं पाए, और कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्रेग कैंबल के साथ भी था। बेशक वे एक खतरनाक फास्ट बॉलर थे, और इसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप में चल रहे इस मैच से ही लगा लीजिए। जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे एक मैच के दौरान इनकी एक तेज डिलीवरी ने स्टंप्स को ऐसा हिट किया कि स्टंप्स के ऊपर लगा कैमरा ही तोड़ डाला। यकीनन उस दौर में ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। 5 अल अमीन हुसैन। दोस्तों कई बार बॉलर कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं, जैसे इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए बांग्लादेशी बॉलर अल अमीन ने एक लीग मैच में कर दिखाया। इस मैच में अल अमीन ने अपने ओवर की पहली दो बॉल्स पर लगातार दो बल्लेबाजों के विकेट चटका दिए, और तीसरी बॉल जो कि इनके लिए एक हैट्रिक बॉल थी, ऐसी खतरनाक इनस्विंग डिलीवरी की कि बल्लेबाज और देखने वाले भी दंग रह गए और बॉल सीधा मिडल स्टंप पे जाके लगी और इस स्टंप के दो टुकड़े हो गए। 4 राशिद खान।
दोस्तों अपने फास्ट बॉलर्स को अपने बाजू के दम पे बैट्समैन को जख्मी करते और विकेट्स तोड़ते तो देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्पिन बॉलर को ऐसा करते देखा है? अगर नहीं तो चलिए आपको इस क्लिप में दिखाते हैं। दोस्तों ये कारनामा हुआ एक लीग मैच के दौरान, जब अफगानी लेग स्पिनर राशिद खान की एक स्पिन डिलीवरी ने विकेट के ऊपरी किनारे को हिट किया और बॉल विकेट को तोड़ते हुए गुजर गई। वैसे ऐसा कैसे हो गया ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। 3, मोहम्मद शामी। दोस्तों एक क्रिकेट मैच में छक्के चौके और विकेट उड़ते देखना ही हमारी ख्वाहिश होती है और यही चीज तो एक मैच को इतनी इंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कारनामा आपका फेवरेट बॉलर ही कर जाए तो भाई मजा ही आ जाता है, जैसे इस वीडियो क्लिप में मोहम्मद शामी ने किया। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद शामी की एक गोली किसी स्पीड से आती हुई डिलीवरी विकेट के ऊपरी किनारे पर टकराई, जिससे विकेट मिडल से टूट गया, जिसे देखकर खिलाड़ी तो क्या ग्राउंड में मौजूद अंपायर्स भी हैरान रह गए। वकार यूनिस। दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तानी यॉर्कर मास्टर की तो आपको पता ही होगा इस लिस्ट में वकार यूनिस ही सबसे ऊपर है। वो अपने डेडली यॉर्कर्स में बहुत एक्सपर्ट थे, कई बार तो इनके यॉर्कर्स इतने खतरनाक होते थे कि बल्लेबाज ही लड़खड़ा कर गिर जाते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में वकार की एक इन स्विंग तेज डिलीवरी स्टंप्स को ऐसी टकराई कि स्टंप्स के सिर्फ दो नहीं बल्कि कई टुकड़े हो गए और इस पर वकार ने कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जिसे देखकर यकीनन आपको भी मजा आ गया होगा। ब्रैटली। दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे फास्ट बॉलर ब्रैटली, जो कि दुनिया के कई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा चुका है। वैसे कई बल्लेबाज तो ब्रैटली के डर से ही अपना विकेट गंवा देते थे और कुछ ऐसा ही मुझे इस कीवी बल्लेबाज के चेहरे को देख के लगा, जो ब्रैटली को सामने देखकर कुछ और ही सोच रहा था। और ब्रैटली की यह तेज डिलीवरी इनके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी और बॉल विकेट पर ऐसी लगी कि विकेट के ही दो टुकड़े कर डाले। वैसे मेरे ख्याल में अब ICC को मजबूत स्टंप्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर ऐसे ही स्टंप्स को तोड़ते रहे तो कई नए रिकॉर्ड भी बन जाएंगे। शुएब अख्तर। दोस्तों विकेट तोड़ने की बात हो और शुएब अख्तर का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 161 किलोमीटर की रफ्तार से आती हुई तेज बॉल कई बार विकेट्स को तोड़ चुकी है। एक बार न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच के दौरान शुएब की एक तेज रफ्तार बॉल ने विकेट को ऐसा छुआ कि विकेट दो टुकड़ों में टूट गई। वैसे दोस्तों इस दौर के बॉलर्स में से कौन सा ऐसा बॉलर है जो विकेट तोड़ने का कारनामा कर सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते ये लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल की ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो।